इतना फ्रेश देख, उधर से रेट लो तुम बोतल, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होती है लिखाएंगे? नहीं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये सब कौन संख्या है? प्राकृतिक। तो यहाँ सटो, वहाँ बैठो, हवा तो सीख लेता है सबका, ठीक है ना? वहाँ बैठो, इधर घसको, बेंच सीधा कर, यहाँ पर, यहाँ पर ये नेचुरल नंबर हो गया एन, इधर करो। 1 2 3 4 5 कौन मतलब संख्या होंगे? नेचुरल नंबर, इसे कैपिटल एन क्या करते हम लोग सूचित करते हैं। इसमें जीरो फेंट देगा तो कौन नंबर हो जाएगा? होल नंबर, इसे कैसे इंडिकेट करते हैं? डब्लू से। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसको मिला करके नेचुरल नंबर को प्लस और माइनस के साथ लिखो, प्लस और माइनस के जीरो सहित, वो हो जाएंगे इंटीजर पूर्णांक, जिसे कहते हैं कैपिटल आई या जेड जेड। और रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है? जितना संख्या है सब अंदर आते हैं, वो सब कौन संख्या होंगे? परिमेय संख्या, बट्टा उट्टा सब परिमेय संख्या होंगे, ये संख्या का जानकारी दिया। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या होता है हिंदी, टी बटा क्यूब फॉर्म होंगे तो परिमेय संख्या होंगे। जीरो भी कौन संख्या है? माइनस एक भी परिमेय संख्या, दो भी परिमेय, एक बटा दो तीन भी परिमेय संख्या है। और रियल नंबर क्या होती है? रेशनल नंबर को क्यू से करते हो सूचित, कैपिटल क्यू से, किसे करते हो सूचित? कैपिटल क्यू से करते हो सूचित, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, फिर रियल नंबर है, सब आपस मिलकर कौन नंबर कहलाएगा? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। -2 -1.86 0 1 5, ये सब कौन संख्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया ना? एक बार भी मार देते हैं, लिखल का रहता तो ठीक, फिर तुम आगे मारेगा, शांत रहो, कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, मेरे पास ही मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, सममित संख्या क्या होती है? दो प्रकार की होती है, सममित संख्या मतलब फटलका संख्या, सममित मतलब फटलका संख्या, उसमें रियल और सममित संख्या दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी कि दोनों बाबत मिल करके क्या बनेगा? सममित संख्या। रियल नंबर को फिर दो भाग में बांटा गया है, कितने भाग में? दो भाग में, एक बांटा गया रेशनल नंबर परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जब पिवट के रूप में हो उसे कौन संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या, जहाँ क्यू डेजिनेट इक्वल टू जीरो। बोलो नहीं, 10 मिनट में हम पूरा नंबर सिस्टम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, 10 मिनट मात्र, शांत रहो तू, जानते फिर भी सुनने का प्रयास कर, फिर से मोड़ी रख रहेगा बात मानने वाला, तो हम इंजॉय यूट्यूब से कर लो तब, है ना? इसलिए सुनो, सुनने का प्रयास करो। परिमेय संख्या रेशनल नंबर पी बटा क्यू ग्रुप में होती है, जहाँ क्यू डेजिनेट इक्वल टू जीरो, पाई का मान जैसे 22/7 3.14, वो परिमेय संख्या होंगे। और फिर इरेशनल नंबर है अपरिमेय संख्या, √2 √3, रूट के अंदर जो संख्या होती है वो होते हैं अपरिमेय संख्या, और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इमेजिनरी नंबर हो गया, रूट के अंदर माइनस जिसमें लगा होता है वो होता है इमेजिनरी संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के, रियल और इमेजिनरी, रियल दो प्रकार के, रेशनल और इरेशनल, समझ में आ गया ना? आगे चलो, जब पूर्णांक के बारे में जानकारी किसी को नहीं होगा, मैंने 10वां में बाकायदा अच्छे तरीका से पूर्णांक पढ़ाया है, सब चीज़ को अच्छे से बेसिक से लिया है। इंटीजर पूर्णांक को आई या जेड से करते हो सूचित, -1 से -2 -3 -4 -∞, फिर इधर जीरो बीच में, फिर चलेंगे +1 +2 +∞। तो -1 से -∞ कहते हो नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, +1 से कहते हो +∞ को पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि इसको इंडिकेट करेंगे आई प्लस या जेड प्लस से, इसको इंडिकेट करेंगे आई माइनस या जेड माइनस से, या टोटल को बोलेंगे ये बापूत पूरा हो गया, पूर्णांक इंटीजर हो गया। यानी कि इंटीजर में दो गो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को आई प्लस या जेड प्लस कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को आई माइनस या जेड माइनस कहते हैं। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, शून्य ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इतना समझ में आ गया ना? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है। अब देखो, सम संख्या किसे कहते हैं? दूर से भागता है बोला गो फटाओ, बेवकूफ बला बात करता है। इवन नंबर, जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर 2m होता है। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होती है? 2m, जहाँ m क्या है? इंटीजर, वेयर m बराबर क्या होंगे? इंटीजर, जैसे m बराबर माइनस इंफिनिटी, माइनस इंटीजर भी पढ़े हो ना, क्या है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी क्या होता है? अरे बोलते कहे हो, घाटा तुम्हारा इसमें होगा, हंसो ना, दिक्कत हमको क्या? मेरा कुछ लॉस होने वाला, लॉस तुम्हारा ही होगा, रिवीजन मारने रिवीजन कर लो। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक को कहते हो इंटीजर। सम संख्या होते हैं 2m के रूप में, m का मान धरते जाओ, सम संख्या क्या होंगे? निकलते जाएंगे, जैसे -6 -4 -2 0, अरे माइनस वाला सम संख्या होती है, उसमें भी दो से भाग लगती है, ये सब सम संख्या होती है। और नंबर विषम संख्या क्या होती है?
जनरल फॉर्म ऑफ ओड नंबर। विषम संख्या के व्यापक रूप, ऐसा संख्या जो 2m+1 के रूप में हो, जहां m क्या होंगे, इंटीजर, उसे कहते हैं विषम संख्या। हम लोग जैसे 2m की जगह m इंटीजर m धरते जाओ, विषम संख्या निकलते जाएंगे। सम संख्या में एक जोड़ दो या घटा दो, विषम संख्या निकलेगा। विषम संख्या में एक जोड़ घटा दो, कौन संख्या निकलेगा, सम। तीन सम संख्या, तीन विषम है, एक जोड़ो चार, सम हो गया। तीन विषम है, एक घटाओ दो, सम है। सम में एक जोड़ने घटाने विषम, और विषम में एक जोड़ने घटाने पर सम। तुम लोग कंपटीशन हो, उसके हिसाब से हम लोग पारा पारा रहे। -5, -3, -1, 1, 3, 5, ये सब क्या होते हैं? अरे माइनस वाला विषम होता है, लोग माइनस में डर से जाते ही नहीं है, माइनस वाला विषम होंगे, इतना रखो ध्यान में। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लेमा, प्रमेय का लेमा यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी दिए हुए रहने पर ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या की और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको लिख करके बताएंगे। और वो था बेसिक, उसी वाला बात थे जो तुम्हारे किताब में मिला के दिया था, तू जानता है पहले से। फिर मैंने एक बार ओवरव्यू मोटा मोटी दे दिया, मोटा मोटी ओवरव्यू दे दिया। मान्य है, समझ में आ गया ना, जो आज भी मान्य, वास्तविक संख्या समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, मोड का मान आगे बताएंगे। संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर किसे कहते हो, नहीं है बात, यौगिक संख्या देखो, कंपोजिट नंबर देखो। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा कम से कम एक दूसरी संख्या में विभाजित होती है, यौगिक संख्या कहलाती है। वैसी प्राकृतिक कंपोजिट नंबर, वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा कम से कम एक ठो और से, अपनों से कटेगा, एको से कटेगा, और कम से कम एगो और किसी से, कम से कम एगो से, अधिक से अधिक दूगो, चार पाँच, जितना मन उतना हो सकते हैं, वो कौन संख्या कहलाएंगे, देखिए। चार देखो एको से लगता है, दुओ से लगता है, चारों से लगता है। दस देखो एको से, दुओ से, पाँचों से, दस हो जाती, कौन संख्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर कितना हो, अरे अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका अंतर दो हो, उसे जुड़वा अभाज्य कहते हैं। जैसे तीन पाँच में कितना अंतर है, दो का, दोनों अभाज्य संख्या 11, 13 में कितना अंतर है, दोनों अभाज्य संख्या 17, 19 में कितना अंतर है, दोनों अभाज्य संख्या आदि जुड़वा अभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत, ये तो समझा दिए हैं। ये सूत्र कुछ है तुमको, हाँ बोलो, जुड़वा आवाज यानी सह आवाज ना, हाँ उसी को सर, दो और तीन नहीं हो सकता है, दो और तीन नहीं हो सकता, दोनों में दो अंतर है सर, लेकिन कहीं पे हम देखते, अरे गलत है, मौसम एक होता है, उसके बीच का मौसम अलग बात है, वो आएंगे तब देखना, फेल मार सकता है जिनका, ये सही लिखा हुआ अंतर कितना होना चाहिए, दो, वो हाँ कुछ और ही होगा, तू ले करना, क्या एक बार लेकर आएंगे, दो और तीन लेकर आना, क्या लेकर आना, देख लेंगे क्या दिक्कत हो रहा है। छठा का निकालना एनसीईआरटी में, और उसमें देखना लिखा है सब बात, कहाँ मिलेगा छठा, कहाँ मिलेगा एनसीईआरटी में, सतनों में मिल सकता है। ये कुछ सामान्य सूत्र है जानकारी के लिए, तू जानता होगा, ये सब बात नहीं पढ़ाएंगे। और इधर समांतर श्रेणी है, पढ़ा चुके हैं समांतर श्रेणी है, क्या कर चुके हैं, अब थोड़ा सा चलो विभाज्यता का नियम बताते हैं। विभाज्यता का नियम किसका नियम पढ़ाते हैं, विभाज्यता, इतना मोटा मोटी सबको क्या होंगे पता, विभाज्यता का नियम नहीं होगा पता तो उसी बता देते हैं, बाकी जी लिखने होगा तो बुक से भी लिख सकते हो, और शॉर्टकट में मेरे फिल्म में क्या है सब बात पहले से लिखा हुआ है, नहीं जानते हो मतलब इतना तो सबको जानना है कि यहाँ तक आ रहे हो, तो नहीं जानते हो तो लिख सकते हो। विभाज्यता की जांच कि कौन संख्या किसे विभाज्य होगा, विभाज्यता की जांच, अब ये सब बैदराला टॉपिक पढ़ने, माथा दर्द वाला पहले हटा दिया मैंने। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, दो से विभाज्य कौन होगा, दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता, जकता की जांच। सीधी सीधी बात है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक जीरो या क्या हो, अंतिम अंक जीरो या क्या हो, दो हो, तो वह संख्या दो से क्या होंगे, पूर्णतः क्या होंगे, अंतिम अंक जीरो और क्या हो, दो हो। किसी संख्या का यदि अंतिम अंक दो से किसी संख्या में भाग कब लगेगा, यदि अंतिम अंक जीरो होगा, लास्ट अंक या दो होगा, तो उसमें दो से पूरा पूरी क्या होगा, जैसे 20 में लगेगा भाग, हाँ लग जाएगा। तो क्वेश्चन अभी कहे पुदक पुदक रे, गुस्सा हमको चल पुटता है, बता आगे रहवे किए हैं, अभी तो क्वेश्चन टपका देता है, अभी देखो तो चार से बेहतर दिख नहीं रहा तुमको, देखो तो नहीं सर, ये यहाँ पे नियम फॉल्स कर सकता है, लास्ट में चार होगा कैसे फिर, तब अभी दुइये से बता रहे हैं, वही तो दुइये से नियम, लास्ट में चार रहेगा तो फिर नहीं, अंतिम अंक जीरो या दो होंगे तो दो से भाग लगवे करेंगे, देखते हैं जाओ, अंतिम अंक जीरो और क्या होंगे,
दो होंगे, दो से भाग लगेंगे, अंतिम अंक जीरो है, दो अंक दस भाग लगेंगे, और दूसरा बात दो के मल्टीपल भी होंगे, दो से भाग लगेंगे। तो पूरा बात बोलने नहीं देते हो आप, क्वेश्चन टपका दे अपना दिमाग, सोचते हो बहुत जानते हो, अभी तो कुछ नहीं जानते हो। पूरा बात हमने कहा अभी नहीं कहा है ना, अंतिम अंक जीरो और दो हो सो दस भाग लगेंगे, अब दो के मल्टीपल में जो होंगे उसमें दस भाग लगे करेगा जी, जैसे छः छः दो के मल्टीपल है दस भाग नहीं लगेगा उसमें, ये तो कॉमन साइंस है। तो तू चार लगा रहे हो, और ये बात तो पहले तो पूरा बात सुन तो लिया करो मेरा, जब पूरा मेरा जब स्टॉप मार देंगे तब क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ पर आपने ये चीज़ छोड़ दिया तब बताओ। अभी तो हम आगे थोड़े एक से ले दो नंबर बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए, अभी तो हम एक लाइन लिखे तो क्वेश्चन थोड़ा टपका दिया बीच में, गलत बात ये सब है। इसी चीज़ को हम कैंची मारते हैं सिलेबस में। तो दो से विभाजकता की जाँच, अंतिम अंक जीरो या दो हो दो से पूरा पूरी भाग लगेंगे, और दो का जो गुणनखंड, जैसे दो गुणनखंड क्या होती है, दो का गुणनखंड दो गुणनखंड चार छः आठ सब में लगेंगे दो से भाग, दो गुणनखंड है, दो से पूरा पूरी भाग लगेंगे। तो अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अंतिम अंक जीरो या कोई सम संख्या हो, ठीक कहा है, जीरो या दो, या लिखो कोई सम संख्या, यहाँ क्या लिखो कोई सम संख्या, या लिखो दो का फैक्टर, दो का क्या लिखो फैक्टर, तो वह संख्या दो से पूरा पूरी क्या होंगे भाग लगेंगे। यदि अंतिम अंक जीरो या दो हो या कोई सम संख्या हो, कौन संख्या हो, सम संख्या हो, असम संख्या पढ़ चुके हो, या दो का क्या हो फैक्टर हो, उस संख्या पूरा पूरी 100% किसे भाग लगेंगे, दो से 20 है अंतिम अंक क्या है जीरो, दो से भाग लगेगा 22 है अंतिम अंक क्या है दो से भाग लगेगा 24 है अंतिम अंक क्या है चार, और यहाँ दो का क्या होंगे फैक्टर है, दो का गुणनखंड है, दो का गुणज है, तो दो से क्या लगेंगे इसे भाग, वैसे अंतिम अंक सम संख्या होंगे। तो ये जैसे 514 दो से भाग लगेंगे, और देखो 8 4 2 6 इसमें किसे भाग लगेंगे दो से। अब बोलो क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तुम्हारा कौन क्वेश्चन छूटा है इसमें, छुटबे नहीं करेगा क्वेश्चन, बीच में टपक जाते हो, ये क्वेश्चन बताइए तीन से हम कहाँ से लाएगा सर चीज, लेकिन गुणनखंड जैसे पे लिखा सर, गुणनखंड मतलब होता है क्या है फैक्टर, गुणनखंड दो गुणनखंड तीन, दो का गुणनखंड एक दो ही ना होगा सर, गुणज ना होता दो चार छः आठ है, गुणज ना होता है, गुणनखंड तो एक दो होता, जो फैक्टर दो का फैक्टर करोगे तो एक, हाँ गुणज ही लिखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या गुणज का इंग्लिश फैक्टर नहीं होता है सर, गुणज की इंग्लिश फैक्टर, गुणनखंड का होता है फैक्टर, हटाओ ठीक कहा है गुणज, हम भी सोच रहे थे तीन से विभाजकता का नियम, तीन से विभाजकता का नियम, तीन से तो तीन के जो मल्टीपल होंगे, यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित होंगे, यदि अंकों का योग जितना अंक रहेंगे, तीन से विभाजकता का नियम यही है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित हो, यदि अंकों का योग तीन से पूर्णता विभाजित हो, तीन से पूर्णता क्या हो विभाजित हो, जैसे तो इसे पढ़ना ही नहीं चाहिए कमीशन में, ये सब थोड़ी बचा चीज़ पढ़ाया जाता है, पॉलिटेक्निक का लेवल थोड़ा सा अच्छे है ना इसका, रेलवे NTPC सबसे साइंस के क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल पूछे जाते हैं इसमें। तीन से विभाजकता की जाँच, यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से पूर्ण विभाजित हो तो वह संख्या तीन विभाजित होंगे, यदि अंकों को जोड़ दो और तीन से भाग लगता है तो संख्या में तीन से क्या होंगे कटेंगे, यदि अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित हो तो वो तीन से विभाज होंगे। जैसे एग्जांपल बात करते, जैसे एग्जांपल लिखा होगा 453 में, तो 5 4 9 3 12 12 किसे लग तीन से भाग लगता है तो तीन से भाग कट जाएगा, इसी प्रकार से विभाजकता के नियम होंगे। जैसे 6 7 6 13 13 3 कितना होता है 16 होता है, तीन से भाग लगता है तो चार ले लो, दो ले लो, 7 15 तो तीन से भाग लग जाएंगे, इस प्रकार से इसमें दो से भी भाग लगेंगे, इस प्रकार से तीन से विभाजकता का नियम हो गया। चार से विभाजकता की जांच, ऐसे दिन खेप टॉपिक ये सब लास्ट में पढ़ाते हैं, सूर्य विसर्जन में पढ़ाएंगे अलग अलग टॉपिक सब। देखो चार विभाजकता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंत में दो शून्य हो यदि किसी संख्या के अंत में दो शून्य हो, या अंतिम अंक दो या चार से विभाजित हो, या अंतिम अंक दो या चार से
विभाज्य हो तो वह संख्या चार से पूरा पूरी क्या होंगे, भाग लग जाएंगे। अंतिम अंक अंत में दो शून्य हो, चार से लगेंगे भाग, हाँ लग जाएंगे। जैसे देखो चार से इस भाग पूरा लग जाएंगे। उसके बाद 8532 अंतिम अंक दो चार विभाज्य है, ये दो से भाग लगेगा, हाँ लगेगा, तो ये भी चार से भी विभाज्य होंगे। अंतिम अंक दो हो, अंतिम अंक दो गो सुनना हो, या अंतिम अंक दो चार से कटता हो तो वह संख्या चार से पूरा पूरी कट जाएगा। यही हुआ चार विभाज्यता का नियम। और देखो जैसे 9836 ये दो से लगता है ना भाग, ETC इसी प्रकार से ये चार नंबर में। चलो ये सब फालतू के पढ़ना ही नहीं चाहिए हमको। पांच विभाजकता की जांच, इतना विद्यार्थी खुद पढ़ लेता है, ये सब फास्ट में भेज दीजिए ये सब तो। पांच से विभाजक कॉपी में लिख देते हैं, लिखल रहेगा ठीक रहेगा। विभाजकता की जाँच, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो, अंत में शून्य हो या पाँच हो या क्या हो, इसमें दो को सुनना, इसमें क्या को सुनना कहा है, एक को सुनना है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो या पाँच हो तो वह संख्या पाँच से पूर्णतः क्या होंगे, विभाजित होंगे। 1385 अंतिम क्या है, पाँच है, पाँच से कटेगा। 2740 अंतिम क्या है, जीरो है, ETC है, पाँच से क्या होंगे पूरा पूरी कट जाएंगे। 6 से विभाजकता की जाँच, छः से विभाजकता की जांच। यदि कोई संख्या दो या तीन से पूर्णतः विभाजित हो, दो से या तीन से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या छः से भी क्या होंगी पूर्णतः, हैं दो से लिखा है देखो तो और यहाँ यदि 22 देते हैं दो से विवाद, लेकिन चार से कैसे विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी तो नियम हिसाब से तब होना चाहिए। क्या क्वेश्चन बोला फिर से कहो। जैसे सर यहाँ पे दो या यानी दोनों में से एगो से कोनो विवाद होगा, 22 तो दो से विवाद है लेकिन चार से विवाद नहीं है, यानी और इसमें बीच में 22 दो से विवाद, दो विवाद है लेकिन चार से नहीं। इसमें क्या चार, तीन नंबर क्वेश्चन है ना, क्या नंबर है, तीन नंबर, एक दो तीन, चार से विभाजकता की जाँच। इसका मान लो हल्ला कर रहा है, बंद करो। यहाँ पे था दो अंक था सर, दो या ऐसे अंतिम दो अंक चार से विवाद। फिर देखना, यदि किसी संख्या के अंत में दो या शून्य हो, यदि किसी संख्या के अंत में दो शून्य हो या अंतिम दो अंक चार से क्या हो, विभाज्य हो तो वह संख्या चार से विभाज्य, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंत में दो शून्य हो, अंत में दो क्या हो, शून्य हो, या अंतिम दो अंक चार से विभाज्य हो, अंतिम दो अंक अच्छा लास्ट दो अंक कहा है, लास्ट दो अंक, चलो मिसप्रिंट हो जाता अभी, लास्ट दो अंक चार से विभाज्य हो। जैसे कि और चेक कर, जैसे मान लो 9846 ये होंगे चार से विभाज्य, अंतिम दो अंक दो से विभाज्य होंगे ना, अंतिम दो अंक दो से विभाज्य होंगे, ये कंडीशन इसका है, विभाज्य होंगे, बाकी ठीक है ना। तो छः से विभाजकता का नियम क्या कहा है, दो से, हाँ छः, यदि कोई संख्या दो और तीन से पूर्णता विभाजित हो तो वह संख्या छः से पूर्णता क्या होंगे, विभाजित होंगे। जैसे कि दो और तीन से पूर्णता क्या होंगे, विभाजित होंगे, तो वह संख्या किससे होंगे विभाजित, छः से। दो और तीन से पूर्णता यदि विभाजित होते हैं, तो वह संख्या छः विभाजित होंगे। जैसे कि 2 4, अब बताओ ये 2 और 3 से पूर्ण विभाजित है, 2 और 3 से, 3 से भी है, 4 6 4 10 12, 3 से भी है, 3 से भी होगा, और 2 से भी होगा, दोनों से होगा एक वो सिर्फ नहीं होगा, या होता दोनों से होगा तब इस किसी विभाज होंगे, है ना, 2 से होंगे, 2 से विभाजक जब लास्ट में 2 है, 2 से भाग लग जाएगा, 4 2 6 6 12, 12 में भाग देंगे 3 से कट जाते, मतलब 2 6 से क्या होंगे पूरा पूरी डिविजिबल होंगे ये संख्या, ये होंगे। इसी प्रकार से और मान लो 6 7 3 2 लेते हैं, ये संख्या होंगे विभाज्य, जोड़ो इसको, दो से विभाज्य होगा पूरा पूरी, ठीक है, दोस्त हो जाएंगे, तीन से होंगे, तीन दो 18 हो जाएगा, 7 5 12 18, यानी कि इससे भी हो जाएंगे, ETC। इसी प्रकार से पता करते हैं क्वेश्चन 6 6 7 से अविभाजकता की जांच,
ये सब खुद से भी पढ़ सकता था, विभाजकता की जांच, साथ से विभाजकता की जांच, ये है किसी संख्या या संख्या के किसी संख्या, आज पढ़ा रहे हैं थ्योरी तो वो आया ही नहीं, किसी संख्या या संख्या के बना दिए छह बार की पुनरावृत्ति। ए सर पढ़ाई का थ्योरी है क्या हुआ? पुनरावृत्ति से सिस्टम बोले सर पढ़ाई का बनी संख्या सात से, ये सब पढ़ाने में बड़ा आश्चर्य लगता है हमको, ये सब अलग अलग विभाजित हो जाती है। तो सात से विभाजकता का रूल क्या है? किसी संख्या या है ना, किसी संख्या या संख्या के छः बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या, किसी संख्या या संख्या के है ना छः बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या, सात से क्या होंगे विभाज होंगे हैं सर, कुछ फिट नहीं कर रहा है। हाँ है ना, यहाँ इसका रूल कुछ और है अलग, यही तो स्पेशल केस दिया है लेकिन रूल कुछ और है। तुम्हारे बुक में दिया देखो तो तीन चार इसे करके अपना बुक चालू किया जाए, संख्या पद्धति निकालेंगे तो जनरल बेक में थोड़े करेगा कर। यहाँ देखो सात विभाजकता की जांच, सामान्य छः अंक की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं सात से अभाज्य से ही विभाजित होती है, सामान्य छः अंक मतलब ऐसे जनरल को छः अंक पुनरावृत्ति रिपीटेड हो, छः अंक किसी संख्या या संख्या के छः बार की पुनरावृत्ति, ये बात तो कहा है तो वो संख्या किससे विभाजित होंगे, सात से विभाजित होंगे। जैसे कि छः बार रिपीट हम लोग करते हैं संख्याओं को, जैसे कि तीन होगा छः बार, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार है ना, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, ये संख्या सात से पूरा पूरी क्या होंगे ताकि कोई अच्छा वो होगा तो हम कल खोज कर लाएंगे, जैसा रूल तो जरूर होगा जो करूँगा तो रूल होंगे जरूर, 45 उसके लिए अलग होंगे, 49 के लिए 47 अलग होंगे, उसके लिए भी होंगे, ये इसके लिए है तो उसके लिए भी होंगे। तो ये संख्या सात से पूरा, यानी कि कोई संख्या रिपीट है ना छः बार, उसमें सात से पूरा पूरी क्या लगे जाएंगे, भाग लग जाएंगे। अब ये संख्या रिपीट जैसे दो रिपीट है, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें सात से पूरा पूरी भाग लगेंगे, जरूर नहीं है सात से लगेंगे तो और किसी से नहीं लगेंगे, और भी किसी से लग सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं रखना ध्यान में है ना। अब जैसे कि कोई भी संख्या पाँच 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 पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, ये हिसाब से क्या होंगे भाग लगेंगे। जैसे कि और देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, चौदह 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 चौदह, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, इस टाइप से होंगे, इसमें भी सात से पूरा पूरी भाग लगेंगे देख लेना ना, सात से भी लगेगा ग्यारह, तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है जी सर, अब बटन है मोबाइल का सॉल्व कर लेना, तीन सात ग्यारह तेरह, तब एगो चीज सर अथी करे सर तेरह तेरह तब नहीं सर, जीरो एक जीरो एक हो सकता है, जीरो एक करोगे तो शुरू में अंक उसमें क्या होगा एगो कम जाएगा ना, तब इन्हें सोचते हो एक जीरो करेगा तो चलता है, एक दस जीरो एक कैसे चलेगा बताओ, दस सर दस दस कायन चलेगा, हाथ में मोबाइल है ना, देख कर देख नेक्स्ट पेज लाओ, अब नेक्स्ट पेज लाओ, बरगारी लाल जी की सब जय, ये पाके जी हरि लाल ये हाथ का काम एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, यह एक विषम संख्या है, खूब पूछता एग्जाम में ले लो, लिख देते हैं इसको कंपटीशन वाला है मैथ है ना, है ना एक जो है एक ना लगता है इस सब चीज पढ़ने का मन है, चलो एडवांस में तो पढ़ाएंगे, हल्ला करता है कहे, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, जनरल जाओ ना फिर पढ़ाएगा ये सब, यह एक विषम संख्या है, यहाँ उतना पढ़ेंगे जितना हम पलटेंगे अच्छे नंबर से पास कर जाओ, सब क्वेश्चन सॉल्व हो सके, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, या एक विषम संख्या है, ठीक है ना, ऐसा तो बेदरावला चीज तुम लोग पढ़ के आया होगा, भाज संख्या अभाज संख्या समझाई दी है, कंपोजिट नंबर है ना,
सब को क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे अगले पेज को, हटाओ पेज को, इसको हटा दीजिए। अब क्या है थ्योरी तुम्हारे बुक में, शेषफल पर में है? अच्छा, 9 से 8 से विभाजता का नियम ना, वैसे उतना जरूरी नहीं पड़ेगा, थोड़े रहा अच्छे समय खाली बह रहा, समय व्यतीत कर रहे हैं, अब होगा अब। चलो, अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 विभाज्य हो, अब नहीं लिखेंगे इतने को कम चलेगा, पत्ते थोड़े पूछता है, 3-4 तक याद है बस हो गया, कम हो जाता है, 3-4 तक याद है तो कम हो जाएगा। और पॉलिटेक्निक में उतना पूछता भी नहीं है, पॉलिटेक्निक का अपना अलग ही सिलेबस है। अब देखो, एक एक ना ध्यान में, बहुत हद से ज्यादा देखिए, ए बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस क्या होता है आर, जहाँ ए है भाज्य डिविडेंड, अपना बी है भाजक, बी क्या है और क्यू है भागफल, क्यू क्या है आर है अपना शेषफल। ये सूत्र कई बार पूछ देता है कि आर क्या है, यानी कि आता है ना, तो अब इसको हमने बहुत अच्छे से अगले बार यहाँ दिखाया था सब चीज़ को। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ रखेंगे बी, यहाँ रखेंगे ए, यहाँ भाग लगा हुआ क्यू मर्तब में है ना, ये ए है तो शेष बचेगा आर, ऐसे करके मैंने बताया था। तो यहाँ पर एकर गुणनफल ना बताया, तो ये क्या होते हैं भाज्य, ये क्या होते हैं भाज्य, बी अपना क्या है यहाँ से भाजक है ना, ये शेष फल है, शेष फल है और ये है भाग फल, ये है। इस पर सवाल कैसे आते हैं हम लोग वो देखेंगे, इस पर सवाल। और एक कंडीशन यहाँ भी है, जीरो लेस देन इक्वल आर, लेस देन क्या होंगे बी, आर का जो मान होगा शेष फल का जो मान होगा जीरो से बड़े होंगे, जीरो से क्या होंगे मैंने सर से बताया नहीं है, जीरो और जीरो से क्या होंगे, लेकिन बी से हमेशा क्या होंगे छोटे, अरे जैसे बी से हमेशा क्या होंगे छोटे, इससे समझ में आएगा होगा ना, यदि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर यदि 11 आएगा तब तो भाग लगाएंगे ना, यहाँ पर 10 यहाँ पर 9 आ जाएगा तब ना छोड़ेंगे, वैसे छोड़ने वाले नहीं है। ये हुआ एक कंडीशन, और इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसे क्या कहते हो, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे दसवां में पढ़ाएंगे तब दसवां कितना वेट करेंगे, इसलिए पढ़ा दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं, इसलिए रखना ध्यान में। और इस पर सवाल SCF LCM, उसको तो शॉर्टकट तरीका से पढ़ेंगे, SCF LCM को ऐसे पढ़ने वाले हैं नहीं। अब क्या बताना था, माना कि ए और बी दो संख्या है, माना कि हटा इसको, माना कि ए और बी, ए और बी दो संख्या है, ए और बी दो क्या है संख्या है, दो संख्या का गुणनफल बराबर SCF गुना क्या होता है LCM, दो संख्या का गुणनफल बराबर SCF गुना LCM, एक संख्या बराबर SCF गुना LCM बटे दूसरी संख्या, फिर दूसरी संख्या बराबर SCF गुना LCM बटे पहली संख्या। सूत्र सबको समझ में आ रहा है ना, ये फार्मूला है, बटे क्या होंगे, ये इस प्रकार से पूछे जाते हैं, सवाल आएंगे तो देखेंगे, यानी कि HCF बराबर यहाँ से निकालना होगा, HCF बराबर क्या करोगे, दोनों संख्या का गुणनफल बटे LCM, ये फार्मूला निकल गया। यदि LCM निकालना होगा यहाँ से तो दोनों संख्या का गुणनफल बटे क्या होंगे SCF होंगे, तो बाकी अपना है मात रखना, सूत्र एक ठो ध्यान है, बाकी उसी से क्या होंगे निकल जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन 140 का है ना, 140 का आप SCF निकाल के बताइए, 140 था ही, सिर्फ एक एक संख्या उसमें था, ओह कहाँ भाग गया, रंगीन वाला सिस्टम गड़बड़ था सर उस समय, कोई बात नहीं है, केवल और इधर दिखा दिया, उस समय क्या मैं स्कैनर था हम लोग, एगो शांत और है साउंड वाला खा लिया, अशांत ना, हां शांत तो शांत आता है एग्जाम में, शांत अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती सब बताया, मैं बताऊंगा पढ़ने में तो आता है झूठो ना, शांत शांत आता है, शांत अशांत नहीं आता, कहीं देखे हैं
नहीं देखे हैं कहीं संत संत नहीं आता है छोड़िए वो पूछेगा किसका सुनना पड़ता संत होगा तू एक एक फिर लिखेंगे संत रहो 12 15 21 का एलसीएम और क्या निकालिए एससीएफ निकालिए एलसीएम और क्या निकालिए 12 का 3 गुना 12 का क्या लिखोगे 3 गुना 4 15 का 3 गुना 5 21 का 3 गुना 7 21 का 3 गुना 7 जो सब में क्या आते हैं कॉमन आते हैं वो अपना क्या होते हैं एससीएफ वो क्या होंगे एलसीएम में क्या करते हैं कॉमन वाला में से एक गो लो कॉमन वाला में से क्या गो लो एगो अब बाकी सब क्या करो गुना कर दो है ना बाकी सब क्या करेंगे हम लोग गुना कर देना हाँ कर देंगे इसको हालांकि लिखना चाहिए हमको 4 लिखना चाहिए 2 गुना 2 लिखना चाहिए हालांकि इसमें तो बन गए 2 गुना 2 लिखना चाहिए चलो ठीक है कोई बात नहीं है लिख दो 2 गुना 2 2 गुना क्या लिख दो 2 अब कॉमन वाला में से क्या लेना है जो कॉमन वाला होता है वही क्या होते हैं एससीएफ कौन वाला में से एक लो अब बाकी सब क्या कर दो गुना कर दो 2 दुना 4 5 20 अब 20 7 40 चौतिया 42 420 का क्या हो जाएंगे एलसीएम बोलो कोई दिक्कत इस प्रकार से क्या निकाले जाते हैं एससीएफ और क्या निकाले जाते हैं एलसीएम निकाले जाते हैं इस प्रकार से हम लोग एससीएफ और एलसीएम निकालेंगे एससीएफ और एलसीएम निकालेंगे हल्ला बंद करो इन्हें क्या निकल गया भाज्य बराबर भाजक गुना भाग फल प्लस शेष फल ये रखना याद ए और आर बी क्यू प्लस आर इसे इस प्रकार से हम लोग कुछ कहते हैं है ना इस पर सवाल दसमाम था कि सवाल की कहीं और देखे थे कौन सी सवाल यही ऐसे पहले से सवाल दसवीं में तो है दसवीं क्या हम जो सोच रहे तुम्हें सोच रहे हो बुकला हमारे बात सर आप भी सोच रहे तो दीजिए सुनो क्वेश्चन नंबर 34 इसमें क्या कहा है अच्छा इस पास क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुतम समावर्तक क्रमशः 12 और 396 है दो गो संख्या है अब कौन है नहीं है पता लेकिन उसका पहले महत्तम लिखा है तो महत्तम यानी कि एस सी एफ कितने हैं 12 हैं और उसका एलसीएम कितना है 396 है यदि उनमें से एक संख्या कितना है दूसरी संख्या बताइए दूसरी संख्या बराबर देखो दोनों गुना कर दो ऐसे एलसीएम ऐसे क्या करो पहली संख्या भाग दे दो तो 12 गुना 396 बटे 36 12 दिया 36 अच्छा तीन अब देखो अब यहाँ से तीन से विभाजता का नियम क्या है तीन पूरे अंक को जोड़ देंगे तीन से भाग लगेगा भाग लग गया 9 3 12 6 18 लग जाएगा हाँ लग जाएगा तीन का तीन तिया 9 3 2 6 दूसरी संख्या 132 होंगे आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर समझ में आया ऐसे पूछते हैं सवाल एग्जामिनेशन में अगला क्वेश्चन नंबर 35 दो संख्या का मौसो यानी कि एससीएफ कितना है 16 है लॉसो एलसीएम कितना 160 इनमें से एक संख्या कितना है दूसरा निकालना होगा ना छा में दोनों गुना कर दो दोनों क्या करो एक संख्या दूसरे से क्या करो ऐसे करते हैं दोनों को गुना करके भाग देंगे तो संख्या निकल जाएगा अपने ठीक है ना 16 दूना 32 80 दूना 80 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर सबको आशा करते हैं समझ में आ गया इसी प्रकार से 34 भी इसी प्रकार से 34 से लेकर करके और तुम्हारा होमवर्क दे देते हैं 34 से लेकर के तुम्हारे पास तो नहीं है बुक नहीं सर फोटो भेज दीजिए माना कि तैयार अरे ढेरी है इतना बना पाओगे ढेरी के सवाल है कोशिश करना ढेरी सवाल है पीछे वही दिया है पीडीएफ चल जाएगा पीडीएफ भेज दीजिएगा ढेरी सवाल है जितना मन मांगा उतना अब पूछते हैं इसी टॉपिक इसलिए मैंने सिर्फ यही बताया कोई दिक्कत नहीं अच्छी बात है अब इसको थोड़ा साइड करो अब बोला बारी बारी से अगला पेज अब कुछ रूल होते हैं वो रूल क्या है क्रम विनिमय नियम फलना नियम चिन्ना नियम वो कुछ आते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ तो उस इसका यूज निकालिए वो जो निकालिए और सबसे खुशी वाली बात इधर नहीं छापा नेक्स्ट पेज लाओ इसी बात पर क्या लाओ नेक्स्ट पेज लाओ कोनो दिक्कत कहाँ टाइम कहाँ अभी तो इसमें किसी कुछ पूछना भी है हम लोग बता रहे हैं उस चीज़ जो एग्जाम में आते हैं क्या पढ़ाते हैं जो एग्जाम पूछता है फलतुआ वाला बात नहीं ऐसे पवन भी लगाया
क्या बोला पेज नंबर 2 लिखिए अंदर चोट लग लो चोट नहीं लग लो पेज नंबर 2 अरे लाओ जल्दी पेज गिरा और चोट नहीं लगा बेकार ही ऐसा गिरना है ए सर लगा होगा कंटा इज्जत नहीं होता है कंटा कोई गिरा तो गिरा चोट लगा अरे पेज तो लाओ नहीं लगा तभी सिम खत्म शुरू कर देंगे नहीं नहीं गिरता आज कर चोट लग लो नहीं नहीं चोट नहीं लगा 10 लोग रहेगा तो गाड़ी से गिर जाएगा और फुट रहेगा हमारा कहां चोट लगा घर में जाने के बाद ससर जाता है चलो तो इतना तक कुछ चीज हमने डिस्कस कर दिया है तब ना कहते शुरू में एक रति मिस करता है तो बाद में कितना दिया तीन ऊपर से खाली रहा था इसको दिन किसे हां इस तरह से दिन रुक जाइए सर हम उधर चल गए थे तो और कुछ और रूल है जो अथी में भी पढ़ाएंगे ग्रुप के साथ पढ़ाएंगे सेट थ्योरी में पढ़ाएंगे तो कुछ सोच रहे हैं कि सेट थ्योरी बचा उसको भी याद सेट थ्योरी दीजिएगा देखते हैं कहां तक हो पाता है प्रयास कर सकते हैं आज 10 बजे तक पढ़ाई है दो लेन का सेट थ्योरी है जो एग्जाम आते हैं तुम्हारे एग्जाम ठीक है तो बढ़िया कह रहा था मैथ का सिलेबस जाने देखो मैं सिलेबस कहां पहुंचा देते हैं तुरंत आज 10 बजे तक पढ़ाई पढ़ते रहो बैठ करके आराम से तो अब कुछ नियम पढ़ लेते हैं फलना चिलना कुछ शिष्टाचार नियम है ये नियम वो नियम है और फिर आगे हम लोग बात करेंगे इसके बाद बोले हम कौन चैप्टर पढ़ाएंगे इसके बाद कौन चैप्टर बोले थे सब थोड़े भी पढ़ाएंगे सब लास्ट में बात होगी सब फिजिक्स में खत्म हो जाएगा तभी तो घातांक करने तो पढ़ाते ही नहीं है इस वाला वाले लोग तो पढ़ाइए नहीं है जल्दी पेज लाओ ना हटाओ इसको हटाओ अब मन नहीं है किसी को पढ़ने का तेरे जैसे आता पढ़ेगा तुम इधर दिन अरे ये भी आओ नहीं था एक चीज छूटा था शायद पहले देख लो और पता नहीं पढ़ाते कि याद हमको नहीं है AM गुना HM बराबर होता है GM का स्क्वायर AM गुना HM किसका स्क्वायर होता है AM सबसे बड़ा उसके बाद GM उसके बाद HM ये बात कह दिया था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अब उसको नहीं लगा क्वेश्चन तो क्या करेगा वो नहीं पढ़ा इसको मानने लगेगा मैथ पढ़ने आज आना थी लेकिन आज मन लगता अब क्या करोगे नसीब में जितना लिखा रहेगा उतना ही ना एग्जाम दाके सब सबकी पढ़ाई कहाँ गया वो गया कहाँ है इमरजेंसी काम था चलो कोई बात नहीं देखो उसका नाम पे जो फट गया तभी से नामों नहीं लेता था तो कच्चा बढ़िया पढ़ रहा था कर्म विनिमय नियम कर्म विनिमय नियम कर्म विनिमय नियम COMM कम्यूटेटिव चलो वैसे भी उसको मैथ पढ़ने का मन नहीं है वो कभी पढ़ा ही नहीं तो आज उसको किसी में समझ में आएगा जो कभी पढ़ा रहेगा तभी ना कुछ आंट लगेगा हम बता क्या रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है जैसे a प्लस बी और बी प्लस ए जोर में ऐसे होते हैं ना तो कर्म बिन में उनका जोर पालन करते हैं लेकिन घटा में पालन नहीं होता है जैसे a गुना बी बी गुना ए यानी कि जोर और घटाओ दोनों कर्म विनिमय नियम का क्या करते हैं जोर और गुना ये क्या हो गया जोर और ये क्या है गुना पूछेगा जोर कर्म विनिमय नियम पालन करता है तो हाँ गुना करता है वो करेगा जोर और गुना कम्यूटेटिव लॉ कर्म विनिमय नियम का पालन करता है उसके बाद है साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ छठा में भी पढ़ा होगा तू सारे नियम जैसे ए प्लस सेट थ्योरी इंप्रूव करेंगे ए प्लस सेट थ्योरी इंप्रूव करते हैं ए प्लस बी गुना ए प्लस बी है ना सीबीएसई में ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हो ना ए प्लस बी एक बात हुआ ये भी सहचर नियम को पालन करते हैं या गुना में ए गुना बी है ना गुना सी तो बराबर ए गुना बी गुना सी एक बात हुआ
यानी कि जोर और घटाओ, जोर और गुना दोनों पर इसका रूल भी पालन करते हैं। बंटन नियम जरूरी है, इतना जरूरी नहीं है। बंटन नियम कौन नियम? बंटन, बंटन नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ए गुना बी प्लस सी तो क्या होगा? ए गुना क्या होगा? बी, ए गुना बी फिर प्लस ए गुना क्या होंगे? सी, ये भी तो पालन होंगे। इस लॉ को क्या कहते हो? बंटन नियम। इस सब केस में ए बी सी परिमेय संख्या है, सब में कौन संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। और क्या होती है जानते हो? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम आने वाले से तो इसे फालतू बता दिया। गुणात्मक प्रतिलोम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए तो मैं बोलूँ कैसे जरूरी है ये। अब यहाँ फिर से देखो, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे है ना? यदि कोई परिमेय संख्या ए है, कोई परिमेय संख्या क्या है? ए है, तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम यदि कोई, ऐसे लिखो, यदि कोई परिमेय संख्या संख्या ए ए है तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं? इसको उल्टा देते हैं। क्या करते हैं? उल्टा दो, वन बटे ए होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम वन बटे क्या होती है? ए होती है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार पढ़ चुके हो, योज्य प्रतिलोम। एडिटिव इन्वर्स है ना, एडिटिव इन्वर्स क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या ए का संख्या ए का योज्य प्रतिलोम, संयोजी विलोम भी से कहते हो, हम योज्य कहेंगे, योज्य प्रति लोम, इसको हम लोग संयोजी विलोम क्या होता है ये? माइनस हंस रहे बहुत, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। शिवम अधिक पढ़ा लिखा है, शिवम बहुत पढ़ लिख लिया, ठीक है ना? अब सर जी बोले तुम उस पर, तो ये वाला बात को हम लोग क्या कहते हैं? इतना रूल हो गया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक बता चुके हैं, दो बता चुके हैं, वर्गों का माध्य पूछा है ना, एन प्राकृतिक संख्या वर्गों क्या पूछा है? माध्य। तो दो नंबर भी बता चुके हैं, दो नंबर देखो, दो नंबर ने भी किया है, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर पर उसको देखते हैं, माध्य का सवाल है, चलो पहले इसको देख। जैसे ये देखो सवाल मिला यहाँ पर हमको, पूरा मैथ को ले रखा है, पाँच नंबर मतलब उन्नट ही इस सप्ताह वैसे करके दिया है, ठीक है। माइनस पाँच बटा छः का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? क्वेश्चन है, माइनस पाँच बटे छः का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब समझ में आएगा थ्योरी, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, क्या होगा सॉल्यूशन? अभी पता है कि कोई संख्या ए है उसका गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा देंगे तो माइनस पाँच बटे छः का उल्टा दो है ना, तो एक बटे माइनस पाँच बटे छः यानी कि माइनस छः बटे क्या हो जाएंगे? पाँच। समझ में आ गया ना? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, तुरंत दिक्कत है, एग्जाम आसानी से क्या होंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या एक ही होंगे। उसके बाद एक हज़ार के बीच पाँच से ही सभी संख्याओं का योग है, कुछ बनेगा पकड़ के रखो, कम से कम भाग रहा है तो। जैसे कि एक सवाल लेते हैं, योज्य प्रतिलोम एटीएम इनवर्स क्वेश्चन, चार का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ये वो शायद पढ़ाए थे कम्प्लेक्स नंबर का पी डी एफ है, निकलते बाद कम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप में भेजे होंगे, अभी दसवां में शायद इसमें से खोजते हैं, कम्प्लेक्स नंबर का किसमें भेजे होंगे? पॉलिटेक्निक पर नेट ऑन करो, नेट यहाँ कौन होगा एक चीज़ देखना चाहते हैं उसमें, राहुल का प्रूफ तो क्या बात है, विदु तीन बापू छः विदु एक
फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल में तब विदुर आजकल क्या कर रहा है देखने का आविष्कार कर रहा है बोला हाइड्रोजन क्यों ऊपर रखा यो जो प्रतिलोम जेड का माइनस जेड होगा ये का जो प्रतिलोम माइनस ये होगा बताइए प्रतिलोम या सर यही बोला क्वेश्चन लाए हैं रुको हम निकालते हैं हटाओ ना हटाओ ना है इतना हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर में इस प्रकार का देखो है डिस्कस किया हुआ यहाँ पर इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिस्कस किए हुए हैं तो चार का जो जो प्रतिलोम समझ में आ गया ना गुणात्मक प्रतिलोम कहाँ है ना तो उलट दो क्या करना है आयोज प्रतिलोम कहा गया था साइन चेंज कर दो साइन क्या करना है चेंज कर दो जैसे यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम पढ़े ना कहाँ गया थी योज प्रतिलोम गुणात्मक प्रत्येक कहेगा तो उलट देंगे आयोज कहेगा तो माइनस लगा देंगे प्रत्येक परिमेय संख्या ए का जो प्रतिलोम माइनस ये होता है कोई परिमेय संख्या ए है उसका जो प्रतिलोम निकालोगे तो माइनस ए तो चार का जो प्रतिलोम क्या होगा माइनस चार इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम आएंगे बोलो क्वेश्चन क्या है बताओ ये है मतलब बोल रहे कहाँ है क्वेश्चन इतना का क्या पूछा है प्रतिलोम कौन प्रतिलोम इन्हें बोला ये बात कहना चाहिए ना प्लस बोला है तो पता तो हाँ तो इसके लिए चेक करेंगे दोनों निकालेंगे जो हो जाए वही आंसर होंगे दोनों जो मिल जाए ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर कितना है 80 तो माइनस थ्री प्लस फाइव अपॉन पहले तो इसको सॉल्व कर लो संख्या पहले संख्या क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे है ना संख्या पहले क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे अच्छा यदि इसका x माइनस टू यदि इसका हम लोग निकालते हैं मान लो कि पहले सॉल्व करो अच्छा एक बार चलो ये संख्या प्रतिलोम कहाँ निकालने के लिए यदि इसका हम लोग निकालते हैं कौन प्रतिलोम पूरा हम क्या लगा देंगे माइनस इसका योज प्रति लोम तो माइनस से में गुना कर देगा तो माइनस माइनस प्लस थ्री और फिर प्लस माइनस माइनस फाइव बटे एक्स माइनस टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 80 का डी है देखो तो एक बार ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होंगे यही तो दिक्कत है इतना का अरे क्वेश्चन पूरा दिया ही नहीं है सॉल्व करना पड़ेगा पागल कर देगा सर एक बार इसका प्रतिलोम डायरेक्ट देखो रुको ना ई से हो जाएगा सर अरे सॉल्व तो हो जाएगा पांच नंबर का ये हाँ। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रतिलोम लिखा है ना क्या इसमें प्रतिलोम थ्योरी दिया है कुछ दिया है चलो एक चीज और एक रूल निकाल लेंगे तो हम लोग यहाँ से यदि एक बार रुको अभी नहीं कह सकते हैं एक बार सॉल्व करो इसका हमने जो प्रतिलोम निकाला है ना वो नहीं है जो प्रतिलोम तो ठीक है सही होंगे मेरा सही है देखो कारण बताते हैं क्यों सही है बाद में पता चलेगा पहले इसका निकालो कौन प्रतिलोम निकालो ये किस कंडीशन क्वेश्चन सही होते हैं हाथ साइड होल्ड रखो इसका सॉल्व करो तो क्या होंगे x माइनस टू इसका क्या निकाल जाएंगे एलसीएम निकलेंगे LCM. तो माइनस तीन से गुना करेगा तो माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस छः प्लस क्या होंगे फाइव इसको बताओ तो माइनस थ्री एक्स प्लस छः पाँच ग्यारह बटे एक्स माइनस तीन इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा उल्टा देंगे तो एक्स माइनस टू बटे माइनस थ्री एक्स प्लस क्या होंगे ग्यारह एक्स माइनस टू बटे ग्यारह माइनस थ्री दोनों आंसर होंगे इसका तो दोनों आंसर होंगे तो दोनों इसमें चूंकि इन्हें कहा है कौन प्रतिलोम निकालने के लिए इन्हें कहा है कौन प्रतिलोम निकालने के लिए है ना तो दोनों आंसर कोई मारता दोनों आंसर सही होंगे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम आते हैं ऑप्शन दो दो टकराएंगे तुमको सीधा प्रतिलोम कहेंगे तो दोनों आंसर दोनों को मारेगा वही ए और डी दो को मारेंगे दोनों आंसर करेक्ट होंगे डीओ लगाएगा सही एओ लगाएगा एक बार उसका देख लो एक बार इस पर थोड़ा सा इसके अनुसार और रखना ध्यान में जब सिर्फ प्रतिलोम कहेगा निकालने के लिए तो गुणात्मक प्रतिलोम सब निकाल देना हालांकि दोनों सही होंगे नियम में कहते हैं दोनों सही होंगे लेकिन अब इसके अनुसार से चूंकि आंसर उसने उसको एक नंबर को करेक्ट किया है यदि सिर्फ प्रतिलोम कहा निकालने के लिए तो हम लोग उसके अनुसार काम करेंगे उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल देंगे प्रतिलोम प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम दिया है समझ में आ गया ना दो को प्रतिलोम होवे करता है अरे दो ही होता है उसका दो पार्ट है जो तब प्रतिलोम होगा तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा प्रतिलोम भी तो सर जी कुछ बोला सुनो ना उतना ही बोला इतना नहीं बोला ध्यान में प्रतिलोम गुणात्मक निकाल दो वही होंगे आगे बढ़ो नेक्स्ट पेज लाओ ग्रुप यहां करिए नेक्स्ट पेज लाओ अंतर दोनों जो है नहीं तो सर निकाल ले तो निकल गया शांत रहो दो के योग नहीं होगा योज होता है ठीक है कोई बात एडिटिव इनवर्स इंग्लिश में ठीक कहा है दो के योग प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम का योग निकालिए जोड़ निकालिए 78 क्वेश्चन
है ना, किस सेट का क्वेश्चन पूछा हुआ ये? 2020 का है, तू का हमने लिख देते हैं 2020 का क्वेश्चन 78। दो का योग प्रतिलोम, तो योग प्रतिलोम में क्या लगा, गुणात्मक में पलट देते हो और योग में हटा देते हो, मतलब नेगेटिव लगा देते हो साइन को। तो दो का बताओ योग प्रतिलोम क्या होगा, माइनस दो, दो का योग प्रतिलोम और दो का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2, और दोनों क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो दो दूनी चार, माइनस चार प्लस इतना बटे तो माइनस तीन बटे क्या होगा, दो नहीं है इतना आंसर, मैंने ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 78 के कितने होंगे, बी, 78 के बी इज द, तो क्या इस प्रकार के नहीं बनेंगे, आसानी से क्वेश्चन बन सकते हैं, बस इतना ही टफ बनते हैं क्वेश्चन, ज्यादा लेवल नहीं देना चाहिए, हम लोग को लेवल भी रखना चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन सुनो, एक क्वेश्चन सुनो, यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध 6 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, माध का क्वेश्चन छूट चुका था, आया मैंने बता देते हैं, चार लगातार विषम संख्या का माध कितना है, ऐसे माध जाता है, हालांकि माध का पढ़ा चुके, माध का नहीं पढ़ाए थे, खोज रहे थे, आज भी मिला, बता देते हैं, चार लगातार विषम संख्या, पवन बताएगा चार लगातार विषम संख्या कौन कौन होती है, चार 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 लगातार विषम संख्या कौन कौन होती है, विषम संख्या एक तीन पाँच, क्या इसमें एक एक लोगे, यहाँ एक पाँच शुरू करेंगे, कहाँ शुरू करेंगे, हाँ, तो चार लगातार विषम संख्या, माना कि लिखेंगे उखेंगे वाला नहीं, विषम संख्या चार लगातार लेना है, ठीक है, तो मान लो चार लगातार विषम संख्या लेना है, जैसे ऐसे बोलेंगे विषम संख्या चार लगातार, मान लो कहते हैं तीन पाँच सात नौ होती है, यानी कि सब में कितना कितना अंतर होता है, यानी कि दो दो जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिलेंगे, एक जोड़ेगा तो तब दिक्कत हो जाएगा, उसमें विषम हो जाएगा ना, तब चार लगातार विषम संख्या, एगो एक्स है, दोसर एक्स प्लस क्या होंगे, टू प्लस चार, एक्स प्लस क्या होंगे, चार, एक्स प्लस क्या होंगे, सिक्स, क्या हुआ, एक दो तीन चार हुआ ना, ये चार तीन नंबर सवाल था ना, इसी प्रकार के होंगे, एक्स एक्स प्लस एक्स प्लस, ठीक है, ये चार लगातार क्या मान लिया मैंने, बोलो क्या मान लिया, विषम संख्या, ये चार लगातार कौन संख्या है, विषम संख्या है, सम भी किया जाते भी मानते हैं, ये चार लगातार विषम संख्याओं का माध कितना दिया है, छः दिया है, जोड़ दो छः से भाग, इसका माध कितना है, छः, क्या को संख्या है, एक दो तीन चार, चार से, सब क्या करेंगे हम लोग, सब क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, एक दो तीन चार, चार एक्स, चार एक्स का संख्या चार को था ना, बारह, दो चार दो छः ऑन करो, छः छः बारह बटे चार बराबर क्या होंगे, चार दिया बारह, अभी चार चार कट गया, चार चार कटा, चार दिया बारह, बारह बराबर छः, इसीलिए एक्स बराबर कितने होंगे, तीन। क्वेश्चन क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या एक्स प्लस छः होगा ना, सबसे बड़ी संख्या कितने होंगे, नौ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, थ्री का सी, किसको नहीं समझ में आया पूछ सकते, एक बार फिर बता देंगे तब हम, थ्री का सी, और इसी प्रकार से सॉल्व होंगे क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में कहा था चार लगातार संख्या, एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, पाँच किया गया तो एक्स प्लस सेवन कर देना, अरे एट कर देना, इस प्रकार संख्या बढ़ेंगे, ये चार लगातार कौन संख्या हो गया, विषम संख्या, उसका माध कितना कहा था, संख्या क्या हुआ, चार को चार से भाग दे दिया, माध नहीं करते हो ना, माध में इसी प्रकार निकालते हो, तो एक्स का मान तीन निकला, सबसे बड़ी संख्या पूछा था तीन, अच्छा ना छोटी पूछता तो तीन होता, छोटी पूछता क्या होता, तीन होता ना, सबसे बड़ी क्या हो गया, नौ हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत। क्वेश्चन नंबर चार, 24 सेबों को ऐसे, अब इसी टाइप का था, सिर्फ सेब वाला घटाने बढ़ाने वाला दहकाए दहाई वाला, 24 सेबों को ऐसे दो भाग में बांटा जाता है, अच्छा सेब कितना है, 24 कुल सेब बराबर, कुल सेब बराबर 24 को सेब है, दो भाग में बांटना है, 24 सेबों को दो ऐसे भागों में, ऐसे दो भाग में बांटा गया कि पहले का 7 गुना यदि दूसरे के 5 गुने में जोड़ाया जाए तो योग 40 हो जाता है, तो पहला भाग, तो चलो पहला भाग मान लेते हैं, क्या करते हैं, पहला भाग मान लेते हैं, क्या होंगे, एक एक लोग दूसरा बार लैंग्वेज तंग लिखना शुरू बंद कर देते हैं, तो दूसरा भाग का पहला भाग एक्स, दूसरा भाग 24 माइनस एक्स होंगे, दोनों अंतर होगा एक्स माइनस 24 माइनस एक्स में, पहला भाग एक्स कहा, दूसरा भाग तो 24 माइनस एक्स, अरे पहला भाग एक्स का दिया है तो अब कितना बचा होगा, घटा दो उसको, कितना बचा होगा, वही दूसरा भाग होगा, तो एक कुल सेब 24 है, पहला भाग एक्स, दूसरा भाग 24 माइनस एक्स हो गया, सुनो 24 सेबों को ऐसे दो भाग में बांटा गया है, पहले का
सात गुना, यही जरूरी है बनाना समीकरण, पहले का सात गुना, यदि दूसरे के पांच गुना हम जोड़ा जाए, पहले के सात गुना, यदि दूसरे के कितना गुना हम जोड़ा जाए, पांच गुना में जोड़ा जाए, तो योग 146 हो जाता है। तो पहला भाग यानी कि x का मान निकालिए, किसका मान निकालिए, 7x 24 पंचे 120 माइनस 5x बराबर 146, 7 में से 5 गया 2x, 120 146 में 120 गया 26, x बराबर 13, तो कितना आंसर होंगे 13, 4 के b, 4 के क्या होंगे b, 4 के क्या होंगे b, b इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उसमें जो होंगे ना पहला भाग कितना होंगे 13 होंगे, और दूसरा भाग पूछता है यदि क्वेश्चन में तो इसमें 13 कर देते कितना बचता, तब 11 होता। किसको समझ में आया सवाल, छटपट समझ में आ गया ना। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या की दो तिहाई, एगो संख्या x है उसका कितना तिहाई, दो तिहाई, देखो कैसे लैंग्वेज बनता है, यदि किसी संख्या का दो तिहाई, यदि किसी संख्या का दो तिहाई उस संख्या की तीन चौथाई से 12 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, किसी संख्या का दो तिहाई मतलब एक संख्या कितना x है ना, यदि किसी संख्या की दो तिहाई, संख्या कितना तिहाई उस संख्या की तीन चौथाई से 12 कम है, तीन चौथाई के बारे क्या है 12 कम है, अब यही यहाँ फंसोगे, कौन किधर घटाएंगे किधर जोड़ेंगे, माइनस होगा। सुनो, यदि किसी संख्या की दो, एक संख्या की दो तिहाई जो है उस संख्या की तीन चौथाई से कितना कम है, एक संख्या की दो तिहाई जो है उस संख्या की तीन चौथाई से कितना कम है, कम कौन है, ये पहली वाला, यानी कि इसमें 12 जोड़ेंगे किसके बराबर तब होगा, उसके बराबर अधिक है ना, तो क्या बन जाएंगे, तीन चौथाई में 12 घटाएंगे, ये किसको दिक्कत है, यही है कई सवाल में किधर घटाएंगे। फिर से चलो, यदि किसी संख्या की दो तिहाई, संख्या कितना तिहाई उस संख्या की तीन चौथाई से 12 क्या है, यानी कितने से 12 घटाओगे तब इसके बराबर होंगे, 12 घटाएंगे तब किसके बराबर होंगे, तो वह संख्या क्या होंगे, x का मान इधर ला इसको, यह रही है 2x बटे 3 माइनस 3x बटे क्या होंगे 4 बराबर माइनस का 12, 4 × 12 क्या होंगे LCM बराबर इधर 12 है, इधर माइनस 12, ठीक है माइनस 12 रहने दो, बोलो 3 × 12 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12 3 × 3 9, तो माइनस एक्स बराबर है 44 से माइनस का 44 कैंसिल, एक्स बराबर 144, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 6 नंबर के डी यही है, समझ में आ गया ना, 3 × 4 स्पीड करे तब काम चलता, खाली यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आएगी, हटा बुक हटाने तो गिरा देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 7, अरे हम तो चला ले रहे छोड़ देते हैं, आसान है वो छोड़ ना, दो 2 × x लेस 400 लेस 2 × x प्लस 1, अब यहाँ कोई संख्या रखो, अब मान लो यहाँ 5 × 5 कितना होता है, 32 होता है, तो 32 होता है, और 2 × 6 हो गया 32 64, तो क्या इसके बीच में 400 आएंगे, 400 का जो मान कहता है 2 × x से क्या है बड़े हैं, ये जो 400 × x से ऐसे x का ऐसा मान रखो कि इस रेंज को फुलफिल करेंगे इस प्रकार से, x एक पूर्णांक है, x का मान x बराबर क्या होंगे, x 2 × x बराबर 7 रखो, एक बार x बराबर 7 रखो, बोलो 2 × 7 कितने होता है, 64 × 2 = 128 कितना होता है, 128 होता है, अच्छा 2 × 7 = 8 हो जाएंगे, 2 × 8 कितना होता है, 2 × 8 है 256, तो तैयो भाई क्या ये मतलब सूट खा रहा है इसमें, नहीं खा रहा है सूट, और आगे बढ़ो 8 रखो, ऐसे चेक करते हैं 8 रखो 2 × 8 = 256, 256 और 9 रखेगा तो यहाँ पर 256 सूट खा जाता है, देखो प्लस हो जाता है, तो ठीक है, तो है 2 × 8 करोगे, 2 × 8 लेस क्या होंगे 400, लेस 2 क्या होंगे 9, ठीक है, तो 2 × 8 कितना होता है 500, कितना बोला था 256, ये कितना होता है 512, तो 400 का जमान, ठीक है, तो 256 से बड़ा 512 छोटा, ठीक है, यानी कि x का मान कितने निकल गया इस कंडीशन में 8, सर इसे ऑप्शन से बनाएंगे, आए हाँ ऑप्शन से सॉल्व करना,
मैंने ऑप्शन से इसी प्रकार से चार धर के देख लेंगे एक बार, पांच धर आठ धर बिना ऑप्शनों कर देंगे, मैंने दोनों तरह का क्या दिक्कत है इसमें नहीं। इस प्रकार से चेक करते हैं, देखो रेंज वो फिर करेंगे उसके बाद सोल्व कर लेना, इस प्रकार से बनेंगे। अगला सवाल ध्यान यहाँ होना चाहिए, दो संख्याओं का योग 9 है, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर कितना है, उनके दो संख्या योग 9 है तो एक संख्या x दूसरी संख्या y माने हो। अरे दो संख्या के योग ऐसे मत मानो, ऐसे करेगा तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। एक संख्या x तो दूसरी संख्या 9 माइनस x, एक संख्या x दूसरी संख्या 9 माइनस, दो संख्या का योग कितना है 9, जरूर 9 पूरेगा। देखो y को हटाइए दिया, एगो टर्म में गुल गुना भाग करना ही कम है, ये तो है। उनके बीच कर्म योग एक बटे उल्टा देंगे तो कितना योग हो जाएगा, एक बटे टू, एक बटे योग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वे संख्या x का मान निकालिए, वे संख्या क्या होंगे, एक संख्या x मने है ना, तो वे संख्या कितना होंगे, वे संख्याएं चंद बिंदु लगा दोनों पूछा है, x और 9 माइनस दोनों पूछा है, x निकल जाएगा। तो चलो हल्ला करो जल्दी से, अंकित हल्ला नहीं तू करता है, पढ़ने मन नहीं लग रहा, एक्स एक्स कैंसिल होगा, नौ मन में कैंसिल क्या बचेगा, एक्स बचेगा बराबर 1/2, एक्स एक्स कैंसिल होगा, कोना कोने गुना करो, एक्स गुना एक्स 9 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, नौ दुना बोलो 18, इधर लो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होंगे, बराबर क्या होंगे माइनस से गुना करो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 18 बराबर क्या होंगे 0, बोलो 18 639 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स, लास्ट सवाल इस पढ़ने पढ़ाएंगे वो, इसके बाद पूरा सब बना कर आएगा। हाँ तो गाइड जहाँ से बनाना है पूछो हमसे, एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस क्या होंगे 6, एक्स बराबर 3 निकलेंगे, कितने निकलेंगे, हाँ बात है तीन लेंगे कौन, 3 और 6 हम लोग लेंगे कौन, ऑप्शन से भी पता चल रहे हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या ऑप्शन एक एवं तीन है ना, इसलिए ऑप्शन सी का 6 भी इसी था, 6 है तो इसी में है ना, ये तीन चरण से नहीं हुआ एक्चुअली, एक आए एक्स बराबर एक्स पहले 3 है तब 6 है, वो हमको वही निकला है 3, तब यही है ऑप्शन में जो होगा पहले वही सर, पता सकता था ऑप्शन शांत रहो, सर आंसर तो निकल रहा है दोनों रखते हैं तैयो पूर रहा है, हल्ला कहे करते हो, x बराबर क्या ले लेते हो 3 लेते हो, एक 3 होगा फिर 9 माइनस 3 क्या होगा 6, 3 हो पूर गया, x बराबर क्या लेते हो 6, तो 6 में से 9 6 गया क्या होगा 3, तो संख्या 3 6 है 6 3 को लेकर दो एक संख्या होगा, ऐसे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी इज द करेक्ट आंसर, 8 के सी, अरे बात है क्लास तो बंद, 8 के क्या होंगे, 8 के क्या होंगे सी, एक संख्या इसी प्रकार से और पढ़ाइएगा, आप देखो जब दसवां नहीं पढ़ाएंगे अब चलो, क्लास में जब अंक कहता है ना पलट दीजिए संख्या 10x प्लस वाई मानना।